एक अच्छी खासी लाइफ की वाट कैसे लगती है, ये मूवी आप लोगों को अच्छे से समझा देगी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नॉक नॉक मूवी के बारे में, जो 2015 के अंदर आई थी और ये आप लोगों को हिंदी में मिल जाएगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया एली रोथ ने और इसके अंदर कास्ट है हमारे जॉन विक भैया यानी कीन्यू रीव्स, आई थिंक मैंने उनका नाम सही ढंग से प्रोनाउंस किया हो, लोरेंजा इजो अनादे अरमास, ये बहुत बड़ा टंग ट्विस्टर नाम जो है यार, जीवी टेढ़ी हो जाती जब इनके नाम लिए, और बाकी नए कलाकार। अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। एक इवान नाम का एक आदमी है जो 45 साल का, और उसका एक अच्छा खासा परिवार है, हंसता खेलता परिवार है, एक वाइफ कैरन, उसके दो बच्चे हैं। अब क्या होता है कि इन दो बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हो जाती हैं और इवन जो इवान के पास जो होता है वो काम होता है, वो एक आर्किटेक्ट है और अपने बच्चों की छुट्टियों के साथ उनके साथ जा तो कहीं सकता नहीं, इसलिए अपनी वाइफ कैरन को अपने बच्चों के साथ भेज देता है कुछ दिनों की छुट्टियां बिताने के लिए और घर पर रहकर अकेला काम करना शुरू करता है। इवान को ऐसा दिखाया गया है कि वो बहुत ज्यादा अच्छा है, वो बहुत ज्यादा केयरिंग है अपने परिवार के लिए, और ऐसा वो बार बार बोलता भी है मूवी के अंदर, कहता है कि यार मैं बहुत ज्यादा अच्छा इंसान हूँ, बहुत अच्छा फादर हूँ, बहुत अच्छा पति हूँ, मैंने कभी भी किसी का कुछ बुरा नहीं किया। और रात को अकेला इवान जब अपने रूम के अंदर काम कर रहा था तभी उसके घर की बैल बजती है और दो लड़कियां जो है वो उसके हेल्प मांगने आती है, एक जेनेसिस होती है एक बैल होती है, और जब ये आती हैं तो ये कहती हैं कि वो हम कोई रास्ता भूल गई हैं, तो थोड़ी देर के लिए उनको उसके घर में आकर फोन यूज करने दिया जाए। तो इवान जो है इनको अपने घर के अंदर बुला लेता है और एक बहुत ही अच्छे मतलब अच्छे इंसान की तरह उनके साथ पेश आता है, उनको चाय बना के देता है, वो भीगी हुई होती है उनको टॉवल देता है, मतलब हर एक हेल्प करता है, और इवन उनके जाने के लिए वो कैब भी बुक करवा देता है जो एक लगभग एक घंटे में आने वाली है, उनकी हर तरीके से हेल्प भी करता है, उनके साथ कोऑपरेट भी करता है। और इवन जब ये लड़कियां जो होती हैं उसको सीड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं एक तरीके से, इसको मतलब ललचाती हैं सेक्स करने के लिए, और इवान जो है इनको बहुत ज्यादा हटाने की कोशिश करता है, इनको इग्नोर करने की कोशिश करता है और बताता है कि वो एक मैरिड इंसान है और वो ये सब चीजें नहीं भी कर सकता। पर जब तक कैब आती है ये लड़कियां पूरी तरीके से इवान के ऊपर हावी हो चुकी होती हैं और इवान जो है वो इसके चक्कर में, इन दोनों लड़कियों के चक्कर में आ चुका होता है और वो सब कर गया होता है जो उसे नहीं करना होता। अब देखो यार, ये मूवी के थ्रू क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं यार, इसके ऊपर तो यार बहुत बड़ी बहस छिड़ सकती है। इवन जब आप मूवी को देखोगे तो समझोगे कि यार इसके अंदर एक्चुअल में दिखाने की क्या कोशिश की गई है। एक तरीके से इन्होंने या इन दोनों लड़कियों के थ्रू ये दिखाने की कोशिश की गई कि हर आदमी जो होता है वो गलत होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हवस का पुजारी होता है, उसको सिर्फ मतलब सेक्स के अलावा कुछ दिखता नहीं है, ये इसमें इन्होंने साबित करने की कोशिश की है, ऐसा कुछ इसमें मालूम पड़ता है। खैर, मेरा काम है मूवी का रिव्यू करना, वो मैं कर देता हूँ। देखो, मूवी जो है कोई हॉरर नहीं है, दो पागल लड़कियां होती हैं, इवन ये पागल ही होती हैं, जब इनका पागलपन स्टार्ट होता है, जब इवान जो वो सब चीजें कर चुका होता है, ये इसका पूरा का पूरा घर तहस नहस कर देती हैं। जो उसकी जो पत्नी होती है उस वो एक आर्टिस्ट होती है, मतलब आर्ट बनाती है, जो स्टैचू स्टैचू ऐसे कुछ चीजें बनाती है, तो उसके स्टैचू को बर्बाद करना, उसके घर उसके पूरे घर को तबाह कर देना, ये सब चीजें वो कर देती हैं लड़कियां, दोनों ही पागल, ऐसी मेंटेलिटी उनकी ऐसी दिखाई गई है कि वो कुछ भी सोचती नहीं है, बस ऐसी पागलों की तरह वो काम कर रही हैं। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो यार परफॉर्मेंस तो उम्दा लेवल की है, जो जॉन विक भैया यार उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर तो यार कैसे शक कर सकते हैं। और जब आपने उनको एक जॉन विक के अंदर जो किरदार निभाते हुए देखा था वो तो एक बहुत एक अल्टीमेट लेवल का था, और इसमें अब जब आप देखोगे उनका जो किरदार है वो एकदम अपोजिट है, बहुत डिफरेंस है, और उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया और आप एक तरीके से एक नई इमेज इनकी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मूवी की, सबसे बड़ी जो वीकनेस मुझे इसकी लगी वो ये थी कि यार ये बताना क्या चाहते हैं, ये साबित क्या करना चाहते हैं, ये मतलब एटलीस्ट जो जो दो लड़कियां थी उन्होंने पूरा घर तबाह कर दिया, अब उनको ये बताना था कि भी हर इंसान जो मतलब इंसान क्या कहूँ, हर जो मर्द होता है वो गलत होता है, उसकी गलत नज़रें होती हैं, वो अपने परिवार को अहमियत नहीं देता, दूसरी औरतों को ज़्यादा अहमियत देता है। अगर ये इनको साबित करना था तो पूरे घर में जो एक जो लेडी थी उसकी जो वाइफ थी, इवान की जो वाइफ थी, उसने इतने अच्छे अच्छे मेहनत से जो स्क्रब जो स्टैचू तैयार किए थे उनको बर्बाद क्यों किया, जो बच्चे थे उनकी फोटोज के ऊपर गंदे गंदी मतलब नाम क्यों लिखे, पिक्चर्स क्यों बनाए, पूरा घर बर्बाद क्यों किया, इवन जो उनका जो इवान का जो दोस्त होता है उसको क्यों मार डाला, ये सब चीजें यार जो इसकी एंडिंग थी वो बिल्कुल बचकानी सी लगी यार, कहीं से भी ऐसा नहीं लगा यार इसका मतलब क्या बनता। और जब आप एंडिंग देखोगे यार आप सोचोगे यार बस यही था, इसके बाद कुछ नहीं। तो इसकी एंडिंग और जो ये सब चीजें दिखाई गई, मैं सोच रहा था यार इसकी एंडिंग बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है, पर ये चीज देख करना यार बहुत ज्यादा दुखी हुआ है। नहीं यार ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था, कुछ और चीजें यार इन लड़कियों का भी दिखाना चाहिए था कि ये कितनी गलत हैं, इन्होंने क्या किया था, इवान के साथ क्या हो रहा था, ये सब चीजें इनको दिखानी चाहिए थी। बट एट दी एंड इस एंडिंग के कारण यार सच कहूँ यार मुझे इस मूवी ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड किया कि यार ये सब चीजें यार हजम नहीं हो रही थी।
मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 4 out of 10 स्टार। अगर किसी ने मूवी देख रखी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी, और जिन्होंने नहीं देखी और वो सोच रहे कि ये मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, तो यार मैं उनको ये रिकमेंडेड करूँगा यार, इसकी एंडिंग बहुत ज़्यादा बकवास है। मुझे कहीं से भी उसके पीछे लॉजिक या फिर मैं कहूँ यार सेटिस्फाई नहीं करती यार। एक तरीके से एक इंसान का आप दिखा देते हो कि उसका थॉट क्या है, उसका सोचने का नजरिया क्या है, दूसरे इंसान को आप अंधेरे में रख देते हो वो क्या सोचता है। तो ऐसा जो बायस जो सिस्टम मुझे लगा यार वो मुझे पसंद नहीं आया। खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।